चारधाम यात्रा पंजीकरण अपडेट। अगर आप चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो मेरा आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोगों के बीच एक ऐसा अपडेट आ गया है जिसे सुनकर आप में से हर कोई यात्रा पर आना चाहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चारधाम यात्रा बहुत जोर शोर से चल रही है और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग यात्रा पर आ रहे हैं। और यात्रा पर आने से पहले आप सभी को पंजीकरण करना होता था। ये देखिए पंजीकरण की वेबसाइट है, यहाँ आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और देन आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो फिलहाल मैं आपको देखिए अकाउंट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने अपना अकाउंट ओपन किया और यात्रा योजना बनाई, यहाँ आपको क्लिक करना है और देन ऐड न्यू टूर पर आपको क्लिक करना है। मैं भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ कितनी सिटी अवेलेबल है। तो देखिए फिलहाल 23 जून से लेकर मैं 30 जून तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए फिलहाल सभी कुछ अवेलेबल है, बल्कि यमुनोत्री धाम में कुछ अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप बात करेंगे जुलाई में, तो जुलाई में तो आपको यहाँ सब कुछ ग्रीन दिखाई देगा। तो जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में यात्रा के टाइम पे थी कि यहाँ स्लॉट नहीं थे, अब यहाँ काफ़ी सारे स्लॉट अवेलेबल हैं, लेकिन अब आपको इन स्लॉट की जरूरत भी नहीं है। तो पहले तो मैं आपको कुछ अपडेट दिखाता हूँ और फाइनल वो अपडेट दिखाऊंगा जो कि पंजीकरण से जुड़ा अपडेट हम लोगों के बीच आ चुका है। देखिए पहला अपडेट तो ये, केदारनाथ यात्री कम होने पर 4 हेली कंपनियों ने समेटा सामान। यानी अब भीड़ बहुत ज़्यादा कम होने लगी है यात्रा पर। बार बार मौसम खराब होने पर उड़ान नहीं भर पा रहे हेलीकॉप्टर। और यहाँ देखिए मैं आपको थोड़ी पहले न्यूज़ बता देता हूँ। बरसात शुरू होते ही केदारनाथ यात्रा से हेली कंपनियों ने अपना सामान समेटना शुरू कर लिया है। मंगलवार को 4 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर लौट गए हैं। अब यात्रा में 5 हेली कंपनियां हेलीकॉप्टर केदार घाटी से केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे हैं। अभी तक 1.5 माह में इतने यात्री केदारनाथ गए हैं। सभी हेली कंपनी के पास 20 जून तक की बुकिंग फुल थी, जिसके चलते 46 दिन तक सभी कंपनियों के हेलीकॉप्टर केदार घाटी से अलग अलग स्थानों से उड़ान भर रहे थे। लेकिन अब कुछ हेली कंपनी ने अपनी हेलीकॉप्टर सेवा वहां से बंद कर दी, जिसमें पिनेकल हो गई, क्रिस्टल हो गई, पवन हंस हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर लौट गए हैं। जबकि आर्यन एरो और चिप्सन हेली कंपनियों के पास 29 जून तक की बुकिंग है। यानी अब आप देखिए जब हेली कंपनी वहां से जा रही हैं तो आप खुद समझ सकते हैं वहां अब भीड़ कम हो गई है। तो इसी भीड़ को देखते हुए अब पंजीकरण से जुड़ा एक अपडेट आ चुका है हम लोगों के बीच में। अब मैं आपको वो अपडेट दिखाता हूँ। ये देखिए ये आज ही अपडेट आया है, चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं की संख्या घटी, पंजीकरण में ढील। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आने से पंजीकरण में ढील दी गई है। अगर कोई यात्री ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाए तो वह यात्रा पर आ सकते हैं, उनका मौके पर ऑफलाइन पंजीकरण हो जाएगा। यानी अगर आपने पंजीकरण नहीं कराया है और आप ऐसे ही यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप बहुत आराम से आ सकते हैं। आप कहीं भी पंजीकरण करा सकते हैं। कम से कम 15 या 16 जगह इन्होंने पंजीकरण की सुविधा दे रखी है। सबसे पहले तो आपको हरिद्वार में पंजीकरण मिल जाएगा, वहाँ नहीं करा पाएंगे तो ऋषिकेश नहीं करा पाएंगे। तो जब आप जैसे मान लीजिए आपको केदारनाथ जाना है तो सोनप्रयाग में भी आपका पंजीकरण हो जाएगा। और पंजीकरण नहीं हुआ तब भी आपको रोकेंगे नहीं, आपको जाने देंगे। यहाँ देखिए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा के ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी। अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने के कारण व्यवस्था बनाने के लिए हर धाम में एक संख्या निर्धारित की गई थी। बदलते मौसम और स्कूलों की छुट्टियां समाप्त होने के कारण अब तीर्थयात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। तो अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आप बहुत आराम से आ सकते हैं। वैसे इस टाइम भीड़ कम हो गई है, जैसे भीड़ आपको मई जून में दिखाई दी थी अब वैसी भीड़ यात्रा पर नहीं है। अब आपको वहाँ ना तो रहने की दिक्कत होगी ना खाने की दिक्कत होगी। और सच कहूँ तो सबसे बढ़िया टाइम यही होता है, लोग पता नहीं क्यों मई जून में ही अपना यात्रा कर लेते हैं, वो टाइम तो बहुत ख़राब टाइम होता है। लेकिन अब यात्रा का बिल्कुल सही समय है। हालांकि बारिश भी उत्तराखंड में शुरू होने वाली, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना प्लान बना सकते हैं। और अगर आपको चारधाम से जुड़ी है, केदारनाथ से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा, आपकी हेल्प करने में। बाकी जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी देखिए हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है ये आपका 10 जुलाई तक फुल है, इसके बाद की बुकिंग ओपन नहीं हुई है। ये कब ओपन होगी इसकी जानकारी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपडेट के साथ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी इनकी बुकिंग ओपन हो सकती है। और इस बार जो बुकिंग ओपन हुई थी
तो मात्र आधे पौन घंटे में ही सब कुछ फुल हो गया था। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम अपडेट चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मुझे व्हाट्सअप करिए और उसमें लिखिए कि आपको यात्रा से जुड़ा अपडेट चाहिए, और साथ ही साथ अपनी यात्रा की डेट भी जरूर लिखिए ताकि मैं आपका नंबर उसी डेट से सेव करके आपको अपडेट दे सकूँ।